हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टाइल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। अगर आपको फैशन, ब्यूटी और ऐसे हॉल्स देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, परिवार सबके साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के बारे में मैं आपके साथ बात करती हूँ। आज का वीडियो है मीशो बैग हॉल। यहाँ पे आपको बैग पैक, स्लिंग बैग और वेस्ट बैग, हैंड बैग, सारे बैग मिलेंगे। यहाँ आज मैंने आपके साथ 5 बैग लेके आई हूँ जो कि अंडर 500 हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं और अच्छे भी हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बैग और इस हॉल का सबसे महंगा बैग कहेंगे, 554 रुपीज़ का ये बैग है, जो कि ये है। आप देख सकते हो, आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें इस तरीके से जिप मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे खुलता है, इस तरह आप यहाँ पे ऐसे इस बैग में अटैच करके आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो। ठीक है, और क्वालिटी मैं प्राइस के हिसाब से कहूँगी बहुत अच्छी नहीं है, इससे बेटर भी हो सकती थी। ठीक है, और इसके साथ आपको एक ये मिल जाएगा जिस पे लिखा है फॉर एवर यंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इसके यहाँ पे साइड पे अटैच कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे। अगर आपको ये इस तरह लेना तो ठीक है, अदरवाइज ये अटैच करके आप एज ऐसे स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो और इसको साइड पे या वेस्ट पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप यहाँ भी कुछ रख सकते हो, कंपार्टमेंट है दो। नेक्स्ट बैग है ये ब्लैक कलर का स्लिंग बैग, आप इसे हैंड बैग भी, एज अ हैंड बैग भी कैरी कर सकते हो इस तरीके से। और स्लिंग बैग भी पूरा ब्लैक कलर का है, थ्रेड वर्क हो रखा है पूरे पे, मतलब थ्रेड की डिज़ाइन से बनी हुई पूरा ऐसे बैग है। ठीक है, और जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको इसमें से एक ये मिलेगी चैन के साथ, ये थोड़ा सा लेदर का कॉम्बिनेशन बना के मिल दिया है जिसे आप ऐसे अटैच कर सकते हो इसके अगल बगल में। यहाँ पर ये हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अटैच करके इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। पूरा कागज़ रखा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक जिप ये मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक जिप ये मिल जाएगी और ये पूरा एक है। ठीक है, बीच में जिप दी हुई है और बस, और कोई कंपार्टमेंट नहीं है इसमें, बस ये इतना सा बैग है। ये जो थर्ड बैग है वो है ये क्यूट सा बैग, मुझे बहुत पसंद आया है और ये जिस रेट पे मिला है वो भी बहुत बहुत सही रेट मुझे मिल गया, 267 रुपीज़ के आसपास है ये, 270-267 ऐसे ही कुछ। और ये बैकपैक है, बहुत क्यूट सा बैकपैक है, ऐसे करके आप ले लो। ठीक है, बहुत प्यारा है, इसमें ऐसे रेड कलर से वो बना है, लेदर है, प्योर लेदर तो क्या ही मिलेगा इतने में, पर फिर भी ये ठीक ठाक है, मतलब वैसा नहीं है। यहाँ पे एक सबसे आगे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, ये जिप लगी, आप यहाँ भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पाओगे, ये वाली जिप खोलोगे तो यहाँ आपको पूरा ये एरिया मिल रहा है, और यहाँ पे एक ये देखिए ये चैन मिल रही है। अब यहाँ भी एक कंपार्टमेंट है, आप यहाँ भी कॉइन्स वगैरह जो रखना चाहो रख सकते हो, या आप अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना तो उसके लिए अच्छा है, जैसे मोबाइल कैरी करना, कुछ वाटर बॉटल वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरत पड़ी जाती हैं तो उस टाइम ये बहुत काम आ सकता है। सो ये चौथा बैग है। ठीक है, और ये मेरा सबसे फेवरेट है इन पाँचों में। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रैप्स मिल जाती हैं, ये ब्राउन कलर में है और ये पूरा बैग पीच कलर का है, पीछे भी आपको ब्राउन कलर का ही है। ये कपड़े का है और आपको सबसे पहले ये पीछे एक कंपार्टमेंट मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर अब आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही है। ठीक है, फिर एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलता है,
ये देखिए, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको छोटा फ़ोन या कॉइन्स वगैरह कुछ भी रखना है उसके लिए काफ़ी अच्छा, एशियस से काफ़ी ज़्यादा ये बैग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी है। और इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली आनी है, मेंशन कर दूँगी। फिफ्थ और लास्ट बैग है ये, टन टन, बहुत प्यारा, बहुत ही यूनिक बैग है। मतलब मैंने इसे जैसे देखा मैंने कहा फट ऑर्डर कर लो। बस इसमें मुझे एक चीज़ का ड्रॉबैक लगा कि इसके साथ आपको शिपिंग अलग से देनी पड़ेगी, अराउंड 80-90 के पास। वैसे ये बैग 300 के आसपास है, बस ये शिपिंग के बाद ही आपको 400 समथिंग का पड़ेगा, ठीक है। ये जूट और लेदर का बैग है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा जूट का काम है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेदर का काम हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा इस बैग के सबसे आगे, ठीक है। फिर आपको ये हैंडल मिल जाएंगी, ये वुडन की हैंडल्स हैं, ठीक है, देख रहे हो बहुत प्यारी हैं, ये वुडन की हैंडल्स हैं। फिर आपको जब आप अंदर आते हो तब अंदर की ओर देखते हो तो आपको इसमें अलग अलग दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और इसमें और कोई कंपार्टमेंट नहीं है, बस ये है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, बताइएगा आपको कैसा लगा, कौन सा बैग इन सब में आपका सबसे फेवरेट था, कौन सा आप ऑर्डर करने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी प्रेजेंस देने के लिए कमेंट सेक्शन में बैग लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब के लिए लव लव, बाय बाय।